आज का टॉपिक है वेरिएबल्स इन सी। अगर क्लासरूम में सारे ही न्यू स्टूडेंट्स हैं और हमें अगर किसी से बात करनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका नाम पूछ लेते हैं जिससे हमें बात करनी है। इससे क्या होगा, वो जो पर्सन है उसको आइडेंटिटी मिल जाएगा। ऐसे ही कंप्यूटर में जो स्टोरेज है जिसमें कोई वैल्यू स्टोर है, अगर वो वैल्यू को हम नाम दे देते हैं तो ये वैल्यू जो रैंडमली कंप्यूटर के मेमोरी में कहीं पे भी लोकेटेड है उसको आइडेंटिटी मिल जाएगा। इसी को हम कहेंगे वेरिएबल्स। अब इस वेरिएबल को कैसे क्रिएट करना है। वेरिएबल्स का सिंटैक्स है स्टोरेज क्लास स्पेस डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम। यहाँ पे स्टोरेज क्लास ऑप्शनल है। अब देखेंगे डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप से कंप्यूटर को हम ये बताएंगे कि किस वेरिएबल के लिए हमें कितना स्टोरेज स्पेस चाहिए और हमें उसमें कौन से टाइप का डेटा स्टोर रखना है। डेटा टाइप को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप बेसिक डेटा टाइप है जिसे हम फंडामेंटल डेटा टाइप भी कहेंगे। इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्ट इन सपोर्ट करेगा, जैसे कि कैर, इंट, फ्लोट, डबल और वॉइड, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। कैर डेटा टाइप अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करता है। इन डेटा टाइप फ्लोट डेटा टाइप और डबल डेटा टाइप में नंबर स्टोर होते हैं। वॉइड डेटा टाइप फंक्शंस के साथ यूज होता है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम स्टोरेज स्पेस के बारे में बात करेंगे। कैर डेटा टाइप का साइज है 1 byte, इन डेटा टाइप का साइज है 2 bytes, लॉन्ग डेटा टाइप का साइज है 4 bytes, फ्लोट डेटा टाइप का साइज है 4 bytes और डबल का साइज है 8 bytes। डिराइव्ड डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप से डिराइव्ड होता है, जैसे कि साइंड इंट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग, डबल एक्सेट्रा। न्यूमेरिकल वैल्यूज जो सी में होते हैं वो साइंड हो सकते हैं या अनसाइंड हो सकते हैं। साइंड वैल्यूज में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के नंबर्स हम स्टोर रख सकते हैं, लेकिन अनसाइंड वैल्यूज में हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही स्टोर रख सकते हैं। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं। सी प्रोग्रामिंग टाइप DF मतलब टाइप डेफिनेशन फीचर को अलाउ करता है, जिससे हम एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को यूज करके नया डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिखा टाइप DF स्पेस इंट स्पेस नंबर, तो हमने इन डेटा टाइप को यूज करके नया डेटा टाइप क्रिएट किया जिसका नाम है नंबर। अब इस डेटा टाइप को यूज करके मतलब नंबर डेटा टाइप को यूज करके हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि नंबर स्पेस मार्क्स। प्रोग्रामिंग में 2 टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं, एल वैल्यू और आर वैल्यू। एल वैल्यू मेमोरी लोकेशन को रिफर करता है। ये इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे हो सकते हैं। आर वैल्यू डेटा वैल्यू को रिफर करते हैं। ये हमेशा इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे ही हो सकते हैं। वेरिएबल्स एल वैल्यू है और लिटरल्स आर वैल्यू है। नाउ व्हाट आर लिटरल्स। लिटरल्स आर द वे बाय विच वी असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। इसका मतलब हम अगर वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो वो किस तरह से कर रहे हैं, इसे हम कहेंगे लिटरल। अब लिटरल डिपेंड करता है कि हम कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिखा इंट x इज इक्वल टू 10, तो 10 क्या है, 10 है लिटरल और x क्या है, x है वेरिएबल नेम। इसका डेटा टाइप है इंट, तो इंट को वैल्यू असाइन करने के लिए अगर हम लिटरल यूज करते हैं तो हम उसे आजू बाजू में कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ नंबर लिखेंगे, तो 10 इज अ लिटरल। फ्लोट f इज इक्वल टू 10.2f, तो 10.2f इज अ लिटरल एंड फ्लोट इज अ डेटा टाइप एंड f इज वेरिएबल नेम। अब डबल डेटा टाइप को वैल्यू असाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, डबल d इज इक्वल टू 10.2, d इज अ वेरिएबल नेम, 10.2 इज अ लिटरल। अगर हमें कैरेक्टर को वैल्यू असाइन करना है तो हमें इसका लिटरल सिंगल कोट में यूज करना होगा,
For example, char y is equal to सिंगल कोट में ए, कैरेक्टर ए की वैल्यू लेगा क्योंकि वन बाइट का स्टोरेज है. कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करता है, इसलिए कैरेक्टर को हम नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि कैर वाई वन इज इक्वल टू सिंगल कोट में वन. अब देखते हैं स्टोरेज क्लास क्या होता है, क्योंकि अगर हमें किसी वेरिएबल को फुल्ली डिफाइन करना है तो हमें उसका स्टोरेज क्लास लिखना होगा. बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होता है ऑटो. ऑटो स्टोरेज क्लास के वेरिएबल्स का स्कोप लोकल होता है, मतलब हम सिर्फ ब्लॉक वेरिएबल्स को ही ऑटो लिख सकते हैं, क्योंकि ऑटो वेरिएबल्स का स्कोप उसके ब्लॉक में ही होता है. जैसे कि हमने पार्ट वन वीडियो में देखा था, ब्लॉक यानी ओपन कर्ली ब्रेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, ऑटो वेरिएबल्स ब्लॉक में ही डिक्लेयर करने होते हैं. एग्जाम्पल के लिए ये कोड देखते हैं. इस प्रोग्राम में हमने ऑटो इंट एक्स इज इक्वल टू 10 कमांड को कमेंट किया है, क्योंकि ऑटो वेरिएबल्स ब्लॉक में ही लिखे जाते हैं. अब ऑटो इंट वाई इज इक्वल टू 20 ये करेक्ट स्टेटमेंट है जो हमने मेन ब्लॉक में लिखा है. इसका स्कोप मेन ब्लॉक के क्लोजिंग कर्ली ब्रेस तक होगा. इस मेन ब्लॉक के अंदर हमने और एक इंटरनल ब्लॉक लिखा है, उसमें हमने जेड वेरिएबल को डिक्लेयर किया है. अब इसके आगे जो प्रिंटेफ स्टेटमेंट डिस्प्ले करने के लिए लिखा है, उसमें हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज किया है. फॉर्मेट स्पेसिफायर से हम वेरिएबल्स के वैल्यू रिट्राइव कर सकते हैं. ये परसेंट साइन से स्टार्ट होते हैं और उसके आगे स्पेशल कैरेक्टर लिखा जाता है जो डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि परसेंट डी यूज होता है इन डेटा टाइप के लिए, परसेंट एफ फॉर फ्लोट, परसेंट सी फॉर कैर, परसेंट स्मॉल एल डी फॉर लॉन्ग इंट, परसेंट कैपिटल एल डी फॉर लॉन्ग डबल. ये प्रिंटेफ स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगा एक्स इज इक्वल टू 10 कॉमा वाई इज इक्वल टू 20 कॉमा जेड इज इक्वल टू 30. इसके आगे ब्लॉक खत्म होता है. अब ये जो प्रिंटेफ स्टेटमेंट लिखा है वो जेड वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के साथ जेड वेरिएबल का स्कोप खत्म होता है. नेक्स्ट प्रिंटेफ स्टेटमेंट एक्स और वाई का वैल्यू डिस्प्ले करेगा. फॉर्मेट स्पेसिफायर्स वेरिएबल लिस्ट के वैल्यूज को लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में रीड करते हैं. जैसे कि यहाँ पे पहला परसेंट डी वेरिएबल एक्स, क्योंकि ये पहला वेरिएबल वैल्यू है, उसे रीड करेगा. नेक्स्ट परसेंट डी वाई वेरिएबल के वैल्यू को रीड करेगा. इस प्रोग्राम में ऑटो की जगह हम रजिस्टर भी लिख सकते हैं. रजिस्टर स्टोरेज क्लास का स्कोप ऑटो वेरिएबल की तरह ही होता है, लेकिन इसका स्टोरेज है सीपीयू रजिस्टर. क्योंकि ये सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होता है, ये रैम एक्सेस से फास्टर एक्सेस देगा. स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप भी ऑटो वेरिएबल की तरह ही होता है, लेकिन ब्लॉक खत्म होने पर भी इसका वैल्यूज एक्टिव रहेगा. इसका डिटेल्स हम फंक्शन वीडियो में देखेंगे. अब देखते हैं एक्सटर्न स्टोरेज क्लास. एक्सटर्न स्टोरेज क्लास ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता है. ये हमें कहता है कि वेरिएबल्स इस ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर किया है. जैसे कि इस प्रोग्राम में हमने मेन ब्लॉक के बाहर वेरिएबल एक्स को डिक्लेयर किया. अब वेरिएबल एक्स मेन ब्लॉक में एक्सटर्न डिक्लेयर करना होगा, जो इसे ग्लोबल स्कोप बताएगा. मेन ब्लॉक में हमने इंटरनल ब्लॉक भी लिखा है. इस ब्लॉक में हमने ऑटो वेरिएबल एक्स को डिक्लेयर किया है, जिसको हमने वैल्यू असाइन किया है 20. एक्सटर्न वेरिएबल का वैल्यू है 10. अब हमने यहाँ पे प्रिंटेफ स्टेटमेंट लिखा है. इस प्रिंटेफ स्टेटमेंट में एक्सटर्नल वेरिएबल एक्स को रीड करने के लिए एक्स के पहले स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यानी डबल कोलन यूज किया है. एक्स वेरिएबल विदाउट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ऑटो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा. अब इस क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के साथ ऑटो वेरिएबल एक्स का स्कोप खत्म होता है.
इसलिए ये प्रिंट स्टेटमेंट जो इंटरनल ब्लॉक के बाहर लिखा है वो सिर्फ एक्सटर्नल वेरिएबल x के ही वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा वैल्यू ऑफ एक्सटर्न x इज 10 एंड लोकल x इज 20। फिर नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगा वैल्यू ऑफ एक्सटर्न x इज 10 एंड लोकल x इज 10। अब देखते हैं रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल। पहला रूल है कि वेरिएबल का नाम अल्फाबेट्स या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा। फर्स्ट कैरेक्टर लिखने के बाद वेरिएबल नाम में नंबर्स भी हो सकते हैं। वेरिएबल नाम में अपर केस और लोअर केस अलग माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल सम और स्मॉल सम वेरिएबल नाम एक दूसरे से अलग है। वेरिएबल नाम में रिजर्व्ड वर्ड्स या कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते, जैसे कि इंट, फ्लोट, मेन यूज नहीं हो सकता।